हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ विकी सुमन। मैं हूँ सुमन और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैगी बनाने की रेसिपी। तो आज मैं एक नए तरीके से मैगी बनाना सिखाऊंगी आपको, जो कि झटपट और बिल्कुल टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो जिसके लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है पानी, और पानी को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है गैस पे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैगी का पैकेट जिसे मैं बनाने वाली हूँ आज। तो ये मैं कट कर लेती हूँ, और पानी यहाँ पर हो चुका है बॉयल, तो मैं इसमें डाल देती हूँ 2 पैक कप मैगी, यानी कि 2 पीस मैगी डाल रही हूँ, 2 पैकेट कप मैगी। और अब ये मैगी बॉयल हो रहा है धीरे धीरे, और इसको मैं तब तक बॉयल करूँगी जब तक एक बॉयल ना आ जाए पानी में अच्छे से। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा चला देती हूँ मैं, ताकि ऊपर नीचे हो जाए, अच्छे से मैगी बॉयल हो जाए। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है पानी में, मैगी बॉयल हो चुकी है। तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पानी को निकाल कर मैगी का। बिल्कुल अच्छे से मैगी बॉयल हो चुकी है। अब मैं कढ़ाई में तेल ले रही हूँ, और तेल को हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अब बारीक कटे हुए अदरक डाल रही हूँ मैं, इसके बाद बारीक कटे हुए हरी मिर्च, दोनों को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, भून लेना है। फिर डालना है बारीक कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसे भी थोड़े देर के लिए भून लेना है। जैसे ही प्याज का कच्चा फ्लेवर निकल जाए, वैसे ही हमें डालना है बारीक कटे हुए आलू। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, आप देख सकती हैं, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे भी डाल करके थोड़े देर तक भून लेना है हमें, और तब तक भूनना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार ले लें। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। अब इन दोनों को भी हमें मिक्स करके थोड़ी देर तक भून लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे ये भून रहा है। ये जैसे ही भून जाए थोड़ी देर, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा क्वांटिटी में कम हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मैगी का मसाला, जो कि मैगी के पैकेट के अंदर ही होता है। तो ये मैंने 2 पैकेट लिया था, तो 2 पैकेट मसाला भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मसाले को डालकर भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर तक भून लेना है। जैसे मसाला भून जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैं इसमें मैगी ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने बॉयल करके रखा था। यहाँ पर आप चाहें ना थोड़ा सा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको टोमेटो सॉस पसंद है तो, नहीं पसंद है नहीं डालें। और बस इसी तरीके से आपको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेना है मैगी को। ये भी थोड़ी सी स्टिकी दिख रही है, पर थोड़ी ही देर में बहुत अच्छे से एक दूसरे से अलग हो जाएगी, और मैगी बिल्कुल फ्रेश दिखेगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको चला लेना है ऊपर नीचे करके, थोड़ा सा कट भी लगा लेना है, क्योंकि मैंने मैगी जब डाला था तो उसे तोड़ कर नहीं डाला था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कट लगा रही हूँ इसमें, ताकि आराम से भून सकूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, थोड़ी देर हो चुका है भूनते हुए मुझे, और भूनकर मैगी जो है बिल्कुल रेडी। और ये कितना सुंदर सा दिख रहा है, आप देख ही सकती हैं, टेस्ट में ये लाजवाब लगता है खाने में। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे मैगी बनाएं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैगी का टेस्ट आपको कैसा लगा है। इस तरीके से आप मैगी बनाना चाहते हैं तो गाजर, बीन्स, मटर, ये सब भी डाल करके बना सकते हैं, पर इस सीज़न में वो सब अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आलू प्याज से बनाया, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर दें। थैंक यू।